कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म निथ लीलाभ्र विष्णु विष्णुपाद अष्टोतर शतः श्री श्री श्रीमदक्तिश्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में कोटि अनंतकोटिशाष्ट्राक दंडवत प्रणाम करता हूँ तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म निती ला प्रविष्णुम विष्णुपाद अोत्रित श्री श्री श्रीमदक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोजों में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को जथाजोग्य प्रणाम करता हूँ हरे कृष्ण आज एक प्रश्न और एक उत्तर हम सुनेंगे प्रभुपाद को भक्त लोग ने हमारी जो प्रभुपाद थे उनका अलग अलग समय पर भक्तों के लोगों ने अलग अलग उनने उत्तर दिया है इसलिए यानी एक भक्त ने क्या प्रश्न दिया उनने क्या उत्तर दिया हम आज एक प्रश्न और एक उत्तर सुनेंगे किसका प्रश्न है कहते दूर में रह कर के जैसे घर में रहते हुए कैसे हम साधु संग और भगवान की भक्ति कैसे संभव हो सकता है इसलिए कहते ना बिनु सत्संग विवेक ना हो राम कृपा बिनु सुलभ नास क्योंकि जब तक तो जीवन में साधु संग नहीं हो भक्तों का संग नहीं हो बड़ा कठिन है भगवान की भजन करना हुँ? मैंने है संग जैसे संगत में रहोगे धीरे 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 उनका रंग भी धीरे 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 हमारे ऊपर में चढ़ने लग जाएगा देखो एक शराबी को पास में बैठो धीरे धीरे तुमको शराबी बना देगा एक गंजड़ी के पास में बैठ दो तब गंजड़ी बना देगा भंगड़ी के पास में बैठ दो भंगड़ी बना देगा हैं इसलिए आप जिसको साथ आप उठ उठ, उठ उठोगे बैठोगे ना अब धीरे धीरे देखना धीरे धीरे उसका रंग भी आपके ऊपर धीरे धीरे चढ़ना शुरू हो जाएगा इसलिए इसी जगत में इसलिए हमारे महाप्रु कहते हैं साधु संग साधु संग सर्व शास्त्र का लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है हर शास्त्र कहता है साधु संग करो भक्तों का संग करो हैं अगर जीवन में एक लव अगर साधु संघ हो तो बात उसको सर्वसिद्ध हो जाता है जीवन में सब कुछ मिल जाता है इसलिए बगैर साधु संघ के भगवान की भक्ति करना अति कठिन है इसलिए किसी ने प्रश्न किया ये बताओ जो लोग गृहस्थ है बहुत दूर में रहते हैं हैं जिनको साधु संघ का इतना सुविधा है ही नहीं फिर उसको कैसे उसको भगवत भक्ति भगवत भजन करना कैसे संभव हो पाएगा किसने ये प्रश्न प्रभुपाद किया है तो प्रभुपाद इसका उत्तर देते हैं हाँ मदर मठ सर्वदा हरि कथा वो सकल ही हरि सेवा से रत प्रभुपाद कहते जो मठे, मठ है मठ की स्थान है कहते मठ ऐसे स्थान नहीं आकर खाए पी और हाँ पेटुक बन जाए पेटुक हो जाए हाँ दिन भर खाए और सो जाए प्रभुपाद कहते इसलिए मठ नहीं बनाया है प्रभुपाद इसलिए हमने मठ नहीं बनाया, आए और खाए सोए फिर बेल कपड़े फिर प्रसाद पाना और सो जाए प्रभुपाद कहते ऐसे व्यक्ति को मंदिर से निकाल दो खर्चा कम होगा और प्रभुपाद कहते खर्चा कम होगा और मंदिर का परिवेश भी नहीं बिगड़ेगा हैं इसलिए जो मंदिर है वो भगवत भजन का स्थान है यहाँ पर आराम करने के लिए हमने मंदिर में नहीं आए यहाँ पर भगवान भजन करने के लिए आए हैं इसलिए कहते मठ कहते हैं जहाँ पर हर समय में भगवान की सेवा है, है और हर समय हरि की कथा हो उसको कहते हैं मठ है हर समय हरि कथा हरि सेवा हर समय मंदिर में चलनी चाहिए इसलिए सही सेवा प्राण भक्तगण संग हम प्रत्येक के सर्वत भावी करणीय कदे कर एक कैसे व्यक्ति का संग करनी चाहिए कल एक स्कूल का भक्त आया था मुझे रुका था मैंने पूछा यहाँ पर कितने भक्त बोले डेढ़ सौ भक्त हैं मंदिर में डेढ़ सौ ब्रह्मचारी मैंने भैया ऐसे कैसे इतना, इतना इतना ब्रह्मचारी कैसे बोली यहाँ पर कहते तब भी मंदिर में आओ ब्रह्मचारी बने जब प्रचार कर सकता हो नहीं तो मंदिर में आने का कोई ज़रूरत है कि तुम तो अपना घर में रहो इसलिए उन्होंने प्रचार को ही मैंने बनाया कहते वहाँ अलग अलग क्लास देते हैं एक जो यंग जूथ के लिए यूथ के लिए पूरा अलग वहाँ पर क्लास है और जो साधारण जो गृहस्थ भक्त है उनके लिए उनको अलग क्लास है बोले दो तीन क्लास उनकी सभी के लिए अलग 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 देते हैं वहाँ पर इसलिए वो बोल रहा था बोल रहा था यहाँ पर प्रसाद पाओ मंदिर में जाओ बाहर जाओ ग्रंथ डिस्ट्रीब्यूशन कर भक्त बनाओ हरी कथा बोलो और ये कर इसलिए वन डेढ़ सौ भक्तों ब्रह्मचारी मठ मंदिर है इसलिए इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कहते ये मंदिर क्या है बोले सही सेवा प्राण भक्तगढ़ संग हमारे प्रत्येक ही सर्वोदभावी करनी ऐसे भक्तों का संग करो जिसकी भक्तों का संग करने से जिनका प्राण ही सेवा है जिनका प्राणी जो सेवा है हैं और भगवान की भजन ही जिनका जीवन का लक्ष्य है क्योंकि ऐसे व्यक्ति तो का ही संग करनी चाहिए इधर उधर संग करने से क्या होगा फिर जैसे संगत तो रहोगे वैसे ही धीरे धीरे तुम्हारा मन भी वैसे धीरे धीरे परिवर्तन होने लग जाएगी इसलिए कद तो जखाने हरिकथा नाई से ही स्थान जतई आत्तीय स्वजन बेष्ट तो हो ना के न जतई बासेर सुविधाजनक होना के न से सब स्थानी वादृश संघ आम नितांत अप्रयोजन बोध है यहाँ प्रभुपात कहते हैं यहाँ पर हरि कथा नहीं है हैं कहते हैं, वो जितना वो परिवेश सुखदायी क्यों नहीं हो अपना सजन सज्जन तो क्यों नहीं हो जितने वहाँ पर रहने के लिए सुविधा क्यों नहीं हो कैसे ऐसे स्थान में नहीं रहनी चाहिए क्योंकि जीवन का जो मूल लक्ष्य है भजन है अगर जीवन में अगर भजनी नहीं हुआ भक्ति नहीं हुआ ऐसी संगत नहीं हुआ फिर तो रहकर क्या लाभ है कोई लाभ नहीं है भगवान अरे कृपाए मठे सर्वकण हरि कथा हरि सेवा प्रवृत्त देखिया महाप्रभु करुणार कथाएं चिंता करी यहाँ प्रभु बात कहते हैं कते भगवान की कृपा में ही जो जो हरि कथा जो हरि सेवा है ना वो सब जगह में नहीं मिलता है इसलिए जहां पर भगवान की कथा कीर्तन हो ना भगवान के मत भक्ता जत्र गाय थी तत्रिष्ठा मीनार मैं वहीं पर रहता हूँ जहाँ पर मेरी कथा कीर्तन हो मैं वहीं पर ही रहता हूँ इसलिए प्रभुपाद कहते हैं जब प्रभुपाद रहते समय हरी कथा होती थी कीर्तन होता था हरी सेवा के लिए जाते थे भगवान कहते सब चीज़ को देख करके ना प्रभुपाद कहते मेरा बड़ा आनंद लगता है बड़ा खुश लगता है जहाँ पर हर समय हरी कीर्तन हरी सेवा में हर समय लोग जहाँ पर रहता है इसलिए प्रभुपाद बोलते थे मैंने ये गौड़ी मठ नहीं बनाया मैंने गोलोक वृंदावन का राधा रानी का जो निकुंज महल को मैंने ये जगत में मैंने उतार दिया है हाँ राधा रानी के निकुंज महल है जैसे निकुंज महल में हर समय कृष्ण सेवा ही वहाँ पर मंजरी सखियाँ हर समय कृष्ण सेवा के लिए तत्पर है यहाँ पर भी ऐसे ही सेवा कृष्ण सेवा के लिए तत्पर है इसलिए प्रभु बात मैंने राधा रानी के निकुंज मंदिर को मैंने निकाला हम उतारा मतलब जहाँ पर हर समय हरी कीर्तन हरी कथा कीर्तन भजन हो वही भगवान की राधा रानी की महल वही है इसलिए मंगलाकांक्षी सज्जनगण मध्य मठ मध्य मध्य मठे आसिया गुरु वैष्णव निकट हरि कथा श्रवण कर इसलिए कहते जो वास्तव रूप में अपना जीवन में मंगल चाहते हैं अपना जीवन हमारी मंगल हो क्या करेंगे हैं मंदिर में आकर के गुरु वैष्णव गणेश निकट हरिकथा श्रवण कर गुरु वैष्णव के पास में आकर भगवान की कथा सुनना हरि जदि ही रुचि और हरि सेवा प्रवृत्ति था के ताहले ताहाई दिख के अन्न संग हित पृथक राखीबे अब देखो जिधर जाओ है कहीं सत्संग नहीं है कहीं भी दुनिया भी इधर जाओ कहाँ पर हरि हरिक कहाँ होती नहीं होती नहीं होती हरि कीर्तन हरि कथा है मंदिर में आने पर हरिका कथा कीर्तन भजन सेवा होता है इसलिए प्रभुपात कहते हैं हमारे यदि हरि कथा रुचि हरि प्रथा के अगर हमारी हरि कथा में रुचि है हरि की सेवा में अगर हमारी रुचि है हैं कहते हैं हमारे अन्य संगत के पृथक राके हुए तब दूसरे संगत से वो पृथक रख सकता है हरि कथा कीर्तन करेंगे तभी तो भगवत संग कीर्तन अगर नहीं करेंगे तो असत्संग है ही तो है ही लेकिन क्या करनी चाहिए हर समय भगवान की कथा भगवान की सेवा भगवान कथा में ही हमें हर समय डूबे रहनी चाहिए फिर जो असत संग है फिर हमसे दूर रहेगा हैं संग दूर रहेगा हैं अगर सत्संग नहीं करेंगे तो असत्ंग है ही है इसलिए एक उदाहरण देते हैं जैसे प्यार में कहीं कांटा चुभ गया अब देखना वो कांटा को निकालने के लिए दूसरे कांटा चाहिए अगर कहीं कांटा चुभ गई तो उसको निकालने के लिए दूसरे कांटा चाहिए एक कांटा से दूसरे कांटा निकाल देते ना इसलिए हमारे हृदय में एक कांटा चुभ गया बोले कौन सा बोले माया की कांटा दुनियादारी माया संसार की कहते उसको हटाने के लिए और एक कांटा लो और एक कांटा मतलब क्या है अगर हर समय में अगर नियम बनाए हम इतने हरिनाम करेंगे इतने हरि सेवा करेंगे इतने हम ठाकुर का भजन पूजा स्तुति स्त करेंगे जैसे हम बैठे यहाँ पर बैठे हैं बैठ कर, -कर आधा घंटा अगर हम हरि कीर्तन हरि कथा करेंगे फिर जो विषय में जो स, जो विषय में जो समय को हम दूर हो गए ना अगर हम हरि कथा नहीं हरि कीर्तन नहीं करते तो कुछ ना कुछ करते ही हम जीवन में फिर दुनियादारी माया की इधर उधर की बात डूबे रहेंगे इसलिए पृथक राख सर्वदा पारमार्थी की पत्रिका वो महाजनगणरे ग्रंथा गुरु गंग कृपा भिख्या करिया निजे निजे आलोचना कर ले तद्द्वाराई भक्त दिगे मुखे हरि कथा श्रवण लाभ आए कैसे कभी कभी होता है ना मंदिर में तो हम कभी कभी वैष्णव का संग इतना नहीं मिलता है हैं फिर हम घर में बैठ कर कैसे हम वैष्णव का संग कैसे कर सकते हैं तब यहाँ पर कहते और एक उपाय है सर्वदा पारमार्थ की पत्रिका जैसे मंदिर से जैसे हमारे मंदिर से गौड़ी पत्रिका निकलता है प्रभुपाद का समय से भी उन्होंने गौड़ीय पत्रिका जैसे निकलता था कहते वो प्रतिका और जो हमारे जो बड़े बड़े संत साधु जो वैष्णव का जो ग्रंथ रघुनाथ इसलिए मेरे गुरु जी को किसी ने पूछा गुरुदेव हम तो रोज मठ में नहीं आ सकते क्योंकि घर हमारी दूर है तब तो आप कहते हो वैष्णव संघ के बगैर जीवन का कल्याण नहीं होता हम कैसे फिर साधु संघ कैसे कर सकते हैं तो गुरुदेव ने कहा मैंने तुमको साधु दिया ना बोले क्या गुरुदेव साधु कब दिए बोले तुमको चैतन्य भागवत दिया ना उपदेश अमृत दिया है ना जब चैतन्य भागवत पढ़ो क्या समझो वृंदावन दास ठाकुर हमें उपदेश दे रहे जब मन शिक्षा को पढ़ो रघुनाथ दास गोस्वामी हमें उपदेश दे रहे जब उपदेश अमृत को पढ़ो है रूप गोस्वामी हमें शिक्षा दे रहे जब शिक्षा को पढ़ो क्या समझो महाप्रभु हमें उपदेश दे रहे हैं गुरुदेव बोलते थे इसलिए जब समय हो मंदिर में आओ जो बहुत ज़्यादा दूर रहता हो और जो समय समय पर घर में बैठ करके ग्रंथों का अगर अध्ययन करेंगे ग्रंथ अध्ययन से ही भक्तों का संग हमारी होता रहता है भक्त का संग उसमें होगा इसलिए ग्रंथादि गुरु गौरा कृपा भी क्या करिए निजे आलोचना कर ले हाँ अगर सचमुच से निष्कपट रूप में ठाकुर जी हमारे ऊपर कृपा करो वैष्णव लोग हमारे ऊपर कृपा करो अगर निष्कपट होकर अगर कृपा भिक्षा प्रार्थना करते हैं उसको द्वारा क्या होगा भक्त दिगरे मुखे हरि कथा श्रवण फल लाभ है वे इसलिए घर में रहते हुए भी, भी जब हम ये शुद्ध ग्रंथों का अध्ययन करेंगे ग्रंथों के माध्यम से हमारी कल्याण होगा इसलिए ग्रंथों को बताया बृहद हाँ जैसे ये मृदंग है आज थोड़ी दूर तक तो जाएगा लेकिन जो ग्रंथ है और जहाँ तक ग्रंथ पहुँचा जो ग्रंथ पढ़ोगे पास वहीं पर बैठे बैठे तुम्हारी साधु संघाह होगा वहाँ पर भी भक्तों की कृपा हमें प्राप्त पृथ्वी यृथिवीते अप्राकृत राज्य बहु भक्तर साक्षात्कार लाभ करना भी महाप्रभु समय भक्त गणेर कथब कथन और कथा ग्रंथ रूप नित्यकाल आचे बोलिया हमारे हताश हो कि प्रभुपद कहते हैं हताश मत हो क्या होगा नहीं होगा बोले नृत्य साहित्य मत हो बोले क्यों नहीं होनी चाहिए यद्यपि जो पृथ्वी में जो शुद्ध भक्त है भगवान का बहुत कठिन मिलना है जीवन में जो शुद्ध संतों का दर्शन मिलना बड़ा कठिन है जो सचमुच से हृदय से भगवान की सेवा भक्ति करना चाहते हैं बहुत कठिन है इस जगत में स भक्तों का संग मिलना करना तो तथापि महाप्रभु समय भक्त गणेर तब भी श्री चैतन्य महाप्रु का जो समय समय जो, जो उस समय जो भक्त लोग आए थे कथ तो उनका जो कथक कथन है जैसे हरिनाम चिंतामणि वहाँ पर महाप्रभु और हरिदास टका डिस्कशन है जैसे महाप्रभु रूप गोस्वामी को प्रश्न करते रूप गोस्वामी महाप्रभु रूप गोस्वामी को शिक्षा देते हैं जैसे सनातन गोस्वामी महाप्रभु को प्रश्न करते हैं महापुरुष को शिक्षा देते हैं जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी को साथ में महाप्रभु का जो कथव कथन अभी भी वो कथव कथन मतलब आपस में जो चर्चा हुई है महाप्रभु जो उत्तर दे अभी भी वो सब ग्रंथ है हैं अभी भी ग्रंथ है वर्तमान बोलिए हमारे हताश हवार किचु नहीं इसलिए हैं हताश होने का कोई जरूरत नहीं है इसलिए हमारा यदि भगवत कथार मध्य एखने बास करी ताल आम मंगल अवश्य है अगर यहाँ पर हरी चर्चा के द्वारा हरी कथा के द्वारा अगर हम जीवन को बिताते हैं उसको द्वारा ही हमारी कल्याण जरूर होगा कौन असुविधा ही हमारे कि चु करते पा ना अगर हर समय हम हरि कथा हरि कीर्तन के अंदर में रहते हैं फिर तो कोई दिक्कत हमारे जीवन में नहीं आएगी ग्रंथों के द्वारा ही भगवान का भक्तों का संग हमें मिलता रहेगा उसको द्वारा ही उत्साहित तो होगा लेकिन इसको द्वारा है लेकिन जो साक्षात जो भक्त हैं उनका संग और भी ज़्यादा उपादाय उप, उपदायी होता है क्योंकि वो प्रैक्टिकल हो जाता है जैसे भगवान कपिल देव माँ को कहते हैं बोले माँ मेरे भक्तों का संग करो शतांग प्रसंगात्म वीरज संबिदो मेरे भक्तों की कथा संग करो संग ही सर्वश्रेष्ठ वस्तु है ए क्योंकि जो कथा है वो बलवान कथा है वो बलवान कथा है वो प्रैक्टिकल है कि थियोरिकल एक प्रैक्टिकल होता है ना इसलिए जो भक्तों का जो संग है वो प्रैक्टिकल है क्योंकि उनका जीवन कैसे हरी नाम करते हैं कैसे भक्ति करते हैं इधर उधर बात नहीं करते हर समय प्रभु का भजन भक्ति में डूबे रहते उसको देखने पर क्या होता है वो प्रैक्टिकल होता है उसमें ज़्यादा लाभदाय लेकिन जब वो नहीं मिले लेकिन कम से कम ग्रंथ भी हमें जीवन में कल्याण करेगा इसलिए भगवत इच्छा है हमारा जेखा नहीं था कि सेखने यदि हमरा भगवत कथा आलोचना करी सांसारिकी सकल कथा और सकल कार्य आमरा भगवान कृपा भगवान स्मृति भगवत भक्तिर कथा तो करते पारिबो तो यहाँ पर कह रहे हैं भगवत इच्छाए भगवत इच्छाए आमरा जेखाने था की तो भगवान का इच्छा में हम जहाँ क्यों नहीं रहे भगवत इच्छा में ठाकुर जी की इच्छा में हम कहीं भी क्यों नहीं रहे हैं कहते शेखाने जाती है हमारा भगवत कथा आलोचना करी, अगर वहाँ पर हम लोग भगवत चर्चा करते हैं अगर हम वहाँ पर हरि चर्चा अगर हम करते हैं फिर क्या होगा कहते सांसारिक की सकल कथा सकल कार्य मध्य हमारा भगवान कृपा हर समय हम लोग भगवत कृपा को हम लोग अपना जीवन में अनुभूति कर सकते हैं क्या तो भगवान ने स्मृति भगवत भक्ति कथा अनुभव तो करते बार वो जहाँ पर चर्चा हो हरि कथा हो कह तो वहाँ पर क्या होगा भगवत स्मृति हैं भगवान का स्मरण भगवान के चिंतन वहाँ भी हमारी हो सकती हैं भगवान भक्तगण के जे अवस्थाएं राखिया सुखी हन सही अवस्थाएं बास करिया निजे दुखादि दि भूलिया थकाई उचित हाँ देखो भगवान क्या कहते हैं प्रभुपाद क्या कहते हैं कहते तो भगवान भक्त गण के जे अवस्थाएं रखिया सुखी है भगवान भक्तों को जिस अवस्था में रख करके भगवान सुखी होते हैं उसी अवस्था में रहो मतलब भगवत कहते हैं ना उसकी इच्छा के बगैर के पता भी नहीं हिलता है इसलिए जीवन में जो स्थिति आती है उसकी इच्छा के बगैर तो कुछ होता ही नहीं उसकी इच्छा के बगैर कुछ होता ही नहीं इसलिए हर चीज में भगवान की अनुभूति अनुभूति को अनुभव करो जिस अवस्थाएं ठाकुर हमें रख रख कर के सुखी होना चाहते उसी अवस्था में रहो रह कर क्या करो निजर दुखा दि भूलिया उचित सही अवस्था बास कर निजर दुखा दि भूलिया था क्या उचित उसी अवस्था में रहते हुए अरे सारे समस्त दुखों को भूल करके रहने चाहिए हैं क्योंकि जिस अवस्था में हमारे भक्ति भक्ति भारतीय भारती गोस्वाई महाराज कहते थे भक्ति विवेक भारती गोस्वाई महाराज कहते थे बोले जिस अवस्था में रखने पर हमारी सुविधा हो ये भगवान समझो उसी अवस्था में ही भगवान हमें रखे इसलिए हम कभी कभी कहते ना अरे अगर ये अवस्था आ जाता तो ऐसे हो जाता तो ऐसे हो जाता था अच्छा रहता हम कभी कभी बोलते हैं सोचते हैं ऐसे हो जाता अच्छा कभी नहीं जिस अवस्था में रखने पर भगवान हमारा कल्याण हो समझो भगवान हमें उसी अवस्था में रखें उस चीज़ को समझो समझते हुए क्या करो भगवान की भजन करो भगवान की भक्ति करते रहो साधु संग ओ हरि कथा आलोचना करते करते हृदय भगवान ने सेवा प्रवृत्ति उनमें से तो तही ली सकल अवस्था ही हरि स्मरण था के कहते अगर जीवन में सत्संग करे हर समय हरि कथा आपस आपस में हरि कथा डिस्कशन करे हैं भगवान ने सेवा प्रवृत्ति तो उनमें से तिले अगर हृदय में भगवान के प्रति सेवा की प्रवृत्ति अगर हमारे हृदय में जगे तो हर अवस्था में क्या होगा भगवत स्मरण जरूर होगा भगवत स्मरण हमारी होती रहेगी इसलिए आम परीक्षार जन्य भगवान सर्वोदय जगतेर अंतराले अवस्थान करते छेन यहाँ पर कह रहे हैं भगवान एक गुरुदेव एक उदाहरण देते थे जैसे अब देखना जैसे कोई छोटा बच्चा होता है ना छोटा बच्चा को जैसे माँ जैसे उसको अंगुल पकड़ करके धीरे धीरे चलाना सिखाती है जब थोड़ी बहुत चलना सीख जाती है मैया क्या करते बच्चों का आगे छोड़ देती है उसको आगे छोड़ देती चल आगे और मैया पीछे बैठ जाती है बच्चा ऐसे लुढ़कते लुढ़कते चलता है लेकिन जब फिर गिरने जाता है ना फिर क्या करता है भैया उसको फिर पकड़ लेती फिर ऐसे ही हैं ऐसे ही ये समझो भगवान अंतराल में मतलब अलक्ष रूप में भगवान हमें सब कुछ देख रहे हैं हैं कहते आमादरे परीक्षा जन भगवान सर्वोदय जगत अंतराल अवस्था में कर हमारी परीक्षा करने के लिए भगवान अभी शिक्षा दिख्या सब गुरु वैष्णव दिए अभी वो देखते हैं अब ये कितना सीखा है हैं ये कितने भक्ति करने के लिए भजन में कितने प्रवेश किया है इसलिए कंतरालय अवस्था अवस्थान करते थे प्रत्येक घटना है अंतरालय भगवान ने कृपा लक्ष्य कर लिया मधे और दुख था कि बिना अगर हर समय अगर ये अनुभूति रखे भगवान हर समय हमें देख रहे भगवान हमें देख रहे हैं अगर ये चीज़ अगर हमारे अनुभूति होता हर समय होता रहेगा तो किसी अवस्था में रहो फिर हमारे जीवन में कभी दुख कष्ट नहीं होगा कभी क्योंकि हम देखेंगे ठाकुर हर समय हमें देख रहे हैं हमारे पितामा तो असली वही है ना इसलिए हमें हर समय वो देख रहे हैं इसलिए भगवान के परीक्षा स्थल यही पृथ्वी अर्थात संसार क्या संसार क्या है क्या भगवान का परीक्षा स्थल है ये हमारी भगवान परीक्षा ले रहे हैं तुम करते हो क्या है इसलिए हर समय क्या करो प्रसन्न होकर के हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हर समय हमें भगवान की इच्छा में इच्छा को मिला करके भजन करनी चाहिए इस संसार यही परीक्षा रे उत्तीर्ण है तो हेल्ले शुद्धो भक्त कर निकट हरि कथा श्रवण कीर्तन करता है कति तो परीक्षा स्थल पृथ्वी का अगर इसी कर उत्तीर्ण होना चाहते मतलब परीक्षा क्या करनी चाहिए पहले भक्तों का संग करो हरि कथा सुनो भक्त संग करो हर समय करते करते क्या होगा उनका संग करेंगे तो संसार से उत्तीर्ण हो जाएंगे क्योंकि जैसे संगत में रहेंगे वैसे होगा ना भक्तों के संगत में रहेंगे तो हरि भजन हरि कथा कीर्तन में जीवन जाएगा हाँ इसलिए वर्तमान सब समय साधु हरि कथा श्रवण सुजग ना हाले हो हमारा यदि ग्रंथालोचना मुख्य कथा श्रवण करी ताल हमारा और सत्संगे एतो अभाव अनुभूत तो ना जैसे कभी कभी साधु का संग नहीं मिलता है तो नहीं मिलता है फिर क्या करें तब्रभुपात तो कहते हैं अगर हम ग्रंथ अगर आलोचना करते हैं ग्रंथ को अगर पढ़ते हैं इसलिए देखना पहले पहले लोग क्या करते थे रोज रोज जैसे रामचरित्र मानस हो भागवत हो भगवत गीता पढ़ते थे लोग पढ़ने पर क्या होगा जैसे गीता कौन कह रहे हैं कृष्ण साख्यात बोल रहे हैं भागवत तो कौन सुखदेव को स्वामी सुनाते हैं सुखदेव और रामचरित्र तो मानस कौन बोल रहे हैं तुलसीदास जी कह रहे हैं है इसलिए कहते उसको द्वारा क्या लोग पहले से ग्रंथ पढ़ते थे ना सवेरे उठ करके उसको पढ़ने पर रहना जैसे हम घर को झाड़ू लगाते हैं ना सवेरे उठ कर झाड़ू लगाते हैं वो झाड़ू लगाने का काम हो जाता है कुछ चेतनाता हृदय में चेतना जकती जागृत हो जाती चेतनाता इसलिए नियम है रोज शुद्ध ग्रंथ कुछ ना कुछ हमें ग्रंथ को पढ़नी चाहिए <coughs> हरिगति समय वर्तमान सब समय साधु संगे इसलिए भगवत भग भगवत भक्त सर्वत्र ही भगवत दर्शन करें आर भगवत विद्वेषी अभक्त गण भगवान रे अस्तित्व पर विश्वास करते बारे ना कहते जो भगवान के जो भक्त है उनका अनुभूति क्या है हर जगह पर भगवत दर्शन करते सब जगह में ठाकुर का विद्यमान लेकिन जो अभक्त है कहते अभक्त है वो क्या करते जो भगवत विद्वेषी कहते भगवान के अस्तित्व को वो विश्वास नहीं करते हैं हमारा मध्यवर्ती स्थान अवस्थित तो है या एक बार हरी से भाई रुचि देखाई परख अवार विषय भोगे व्यस्त है तो कभी कभी क्या हो जाता है हम लोग क्या हो जाता है ना हम कभी कभी बीच में अवस्थान करते हैं बीच में बीच में अवस्थान करने का वजह से क्या होता है कभी तो भगवान की भक्ति में बड़े रुचि दिख दिखता है और कभी कभी क्या हो जाता है विषय भोग हो जाता है इसलिए कखन भोगेर कखन त्यागर छलना मल हमारे जो मन है ना कभी 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 भोग में प्रवृत्त हो जाता है कभी त्याग में प्रवृत्त हो जाता है कभी भक्ति में प्रवृत्त दिखता है कभी कभी भक्ति से बाहर दिखती है हरि सेवा प्रमत्त प्रमत हई बार इच्छा प्रबल हई लैया हमारा देर विषय भोग निवृत्ति है लेकिन ये विषय भोग निवृत्ति कब होगा जब भगवत सेवा में हमारा प्रवृत्ति हो उसमें प्रबल रूप में प्रवृत्ति हो तब विषय भोग से निवृत्त हो सकता है विषय तात्कालिक सुख वो दुख वर्तमान कद जो विषय भोग में थोड़ी समय सुख दुख दिखती हैं किंतु तो भगवान की सेवा में हर समय आनंद आनंद है भगवत सेवा हरी कथा में हर समय आनंद ऐ जन अमरा सही आनंद उद्देश्य सर्वदा सेवा पर था कि वो अगर जीवन में कोई नित्य आनंद बना चाहता है उसको क्या करनी चाहिए हर समय भगवत चर्चा हरी कथा हरि कीर्तन में अगर हम डूबे रहेंगे तो क्या होगा हर समय हम भगवान के आनंद आनंद में डूबे रहेंगे इसलिए यहाँ पर कहते हैं कहते हैं क्या प्रश्न था साधु हाँ हम कैसे दूर में रह कर के हमें कैसे ये साधु संघ हमें प्राप्त तो हो सकता है किसी ने प्रभुबहादु को प्रश्न किया कहते कि हम दूर रहते हुए भी, भी अगर ग्रंथों का आश्रय ग्रहण करें तो फिर हम निकट में रह सकते भगवत भजन को हम कर सकते हैं गौर ब्रह्मान हरे कृष्ण हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे